यस देखिए, कैपिलैरिटी की एक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था आप लोगों को। ये हुआ था कि जब भी हम लोग ना कोई भी बहुत पतली नैरो ट्यूब किसी भी लिक्विड में डालते हैं, तो पानी के साथ ये होता है, या पानी नहीं, वो लिक्विड के साथ, या तो वो उस जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये जो ऊपर वाटर का जो, या लिक्विड, किसी भी लिक्विड का चढ़ना है, तो द राइज या फिर वो जो फॉल है नैरो ट्यूब में, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी, ठीक है, या फिर कैपिलरी एक्शन। सो द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक थिक ट्यूब डाली मैंने, ये वाटर लिया फॉर एग्जाम्पल, और एक पतली सी ट्यूब डाली है कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नोटिस ये होता है कि जो जितनी पतली है, मतलब कि जिसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, तो जिसका डायमीटर ज्यादा है उसमें पानी कम जाएगा ऊपर, हाइट कम रेज होती है, राइज होती है, और जितनी नैरो ट्यूब होती है उसमें हाइट ज्यादा राइज होती है। ये वाटर का केस था। लेकिन अगर इसी की जगह ये लिक्विड, यहाँ पर मर्करी लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे मर्करी लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर ये ऑब्जर्व होगा कि इंस्टेड ऑफ राइजिंग अप कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ने के बजाय इसका ना हाइट डाउन हो जाती है, मतलब कि नीचे की तरफ जाती है। तो ये भी कैपिलरी एक्शन है। सो राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। लाइशा, हम लोग बस कैपिलैरिटी का एक रिविजन करें, देन वी मूव फॉरवर्ड, फाइन? ओके मैम। उसके बाद हम लोग ने कैपिलैरिटी का एक्सेलेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो ये सारा स्क्रीनशॉट एक बार या नोट कर लीजिए आप लोग, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आयुषी एंड एंड सभी, आप दोनों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। When you're done, just let me know. Yes, ma'am. I'm done. हो गया सब? देखिए, इसके बाद ना हम लोग ने एक लंबी डेरिवेशन करी है, जो एक्सेस प्रेशर किया था, याद है सभी? एक्सेस प्रेशर किया था, 2s/r आया था, और अगर यही सोप फिल्म होता तो 4s/r हो जाता। एक्सेस प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था एक एयर बबल में, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग ने जो कैपिलैरिटी का एसेंट फॉर्मूला, यानी कि जितना राइज हो रहा है, जो भी कैपिलरी ट्यूब है उसमें जितना लिक्विड राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, उसकी वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट की। तो वो सॉल्व करने पर डेरिवेशन में आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास के बाद, वो आता है 2s/ρgr। एस है यहाँ पे सरफेस टेंशन लिक्विड का, आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस मतलब अगर ये ट्यूब की एंड है, तो ये जो मेनिस्कस बन रहा है ना ऐसे कर्व शेप का, इसका भी तो खुद का कोई रेडियस होगा, ये वो रेडियस है। अगर मुझे हाइट चाहिए कैपिलरी ट्यूब की, जो हमारा एसेंट ही राइज और फॉल निकल के आ रहे हैं रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म्स में, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ये 2s cos θ/r ρg। अब ये जो स्मॉल आर है, ये होता है रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है, इसका ये डेरिवेशन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्लास के बाद। दोनों आप ले लीजिए। I'm done. आपका भी हो गया आयुषी? Yes, ma'am.
मैम। मैम देखिए यहाँ पर हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि एच इज इक्वल टू 2s/ρg में क्या है, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हो रहे हैं, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, जैसे s सरफेस टेंशन है ये कांस्टेंट रहेगा, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी भी फिक्स्ड वैल्यू होती है तो ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया h इनटू r आपका कांस्टेंट आता है, तो मतलब h r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपके पास इनसफिशियंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब है या जो भी आपकी ट्यूब है वो इनसफिशियंट लेंथ की है तो ये नहीं होगा कि लिक्विड जो है फाउंटेन की तरह ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हाइट कम पड़ रही है तो ये रेडियस एक्सपैंड कर रेडियस बड़ा कर लेगा, यानी कि इस तरह से एच पे आके जैसे ये ट्यूब है तो ये रेडियस लिक्विड ऐसे अपने आप को स्प्रेड कर लेगा, उससे क्या हो गया रेडियस बड़ा हो गया हाइट कम थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लिखे हैं मैंने कैपिलैरिटी के, जैसे कि प्लांट्स वगैरह में वाटर या जो भी सैप वगैरह होता है वो जाइलम के थ्रू ऊपर चला जाता है, फाइन वो भी कैपिलैरिटी एक्शन तो होता है रूट से जो ऊपर की तरफ जाता है, या जो फाउंटेन पेन होते हैं इस तरह का, ये जो फाउंटेन पेन होते हैं उसकी निब ऐसे स्लिट होती है, स्लिट अप होती है, उससे ये होता है कि ये भी कैपिलैरिटी ऊपर की तरह एक्शन करती है, जब इंक में डिप करते हैं तो कैपिलैरिटी की वजह से इंक ऊपर चली जाती है, तो एक बार आप ये भी नोट कर लीजिए। I'm done. अच्छा ये कुछ चीजें हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि ये जो फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूला को तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r होती है, आपको बाद में मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगी। अगर थीटा आपका एक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से कम है जैसे कि वाटर के केस में तो H जो आता है वो पॉजिटिव आता है, H पॉजिटिव आने का मतलब है वाटर राइज करेगा यानी ऊपर जाएगा, अगर वही थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो गया मींस इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो लिक्विड आपका फॉल करेगा, ठीक है कम हो जाता है वो, जैसे मर्करी के केस में। एक न्यूमेरिकल भी हम लोग ने किया था, आप इस पोर्शन को एक बार नोट कर लीजिए।
मैम डन। मैम डन। उसके बाद हम लोग ने एक न्यूमेरिकल भी किया था। अभी एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक बार आप इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए। इसमें हम लोग ने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब था, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब था जिसका डायमीटर गिवन था ऐसे, ये फिगर आप देखते हैं इस तरह से। एक नैरो ट्यूब थी, एक थिक ट्यूब, ये यू ट्यूब कनेक्टेड है ऐसे इस तरह से प्लेस्ड है लिक्विड में, यहाँ पे लिक्विड है। इसमें ना हमें दोनों जो वाटर राइज होता है दोनों लिक्विड कॉलम्स उनके बीच का डिफरेंस निकालना था। मतलब अगर यहाँ पे H1 राइज होता है, यहाँ पर H2 होता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यानी ये पोर्शन जो बचा है वो हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो इसमें बेसिकली हम लोग ने यही किया है, पहले वाला H1 निकाला यूजिंग नॉर्मल जो फॉर्मूला है हम लोग का, H=2S cos θ/rho g, ये यूज करके हम लोग ने पहले H1 निकाला और यही फॉर्मूला से H2 निकाला, दोनों का डिफरेंस ले लिया वही एच था, बाकी की सारी वैल्यूज गिवन थी, सरफेस टेंशन गिवन था और डेंसिटी वाटर की 1000 kg/m³। इस न्यूमेरिकल को भी आप नोट कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं समझ आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये याद रखना जब भी कैपिटल आर था वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस था, मेनिस्कस मतलब ये होता है ट्यूब है, ट्यूब में अगर हम लोग ने मान लीजिए वाटर डाला तो वाटर का जो अपवर्ड लास्ट लेवल होता है प्री सरफेस जो होती है उसे मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये जो मेनिस्कस है ना ये भी तो कर्व्ड है, इसका जो रेडियस होगा वो था कैपिटल आर जब कॉस थीटा नहीं था, कॉस थीटा है नीचे स्मॉल आर है, मतलब ये जो ट्यूब है ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर। डन, शुड आई यस स्क्रोल मैम। इट डाउन? यस मैम। सभी आपने ऊपर वाला पोर्शन ले लिया था, कैप्चर कर लिया था? आपके शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से चला गया था। यस मैम हो गया था वो। ये नोट कर लीजिए, फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग हाइड्रोडायनामिक स्टार्ट कर देंगे, वो न्यू टॉपिक है, वहां समझ आ जाएगा। मैम डन। देखिए यहाँ मैं आपको बता रही थी कि
h इज इक्वल टू 2 रो cos थीटा बाय r रो जी है, तो बाकी सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट है, यानी h इनटू r मतलब h इज द हाइट और r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये कांस्टेंट रहेगा इसका प्रोडक्ट कोई भी गिवन लिक्विड के लिए. एक और चीज मुझे जो बतानी थी वो ये है कि मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल्ड अप है, मान लीजिए इसमें कोई ट्यूब मैंने इसे इंसर्ट करी और वही ट्यूब को अगर मैं एक किसी इंक्लिनेशन पे इंसर्ट कर, यहाँ इसमें भी वाटर फिल्ड है, मान लीजिए यहाँ तक इसमें वाटर फिल्ड है, इधर भी वही लिक्विड जो वाटर लिया है मैंने वो फिल्ड है. देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसकी अगर लिक्विड से ऊपर वाले सरफेस तक अगर हाइट h है और इसे क्लिक किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, तब भी जो लिक्विड से ऊपर आप लोग हाइट कंसिडर करेंगे वो h ही होगी, ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट ही आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये आपका काम आएगा अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो मैं आपको दूंगी. तो इतना नोट कर लीजिए, मैं न्यूमेरिकल लिख रही हूँ और उसको ट्राई कीजिए. ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट 2 सेंटीमीटर इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, हाउ मच वाटर विल राइज इफ द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, देन वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ वाटर इन ट्यूब.
ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना आपका, हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था हाइट और रेडियस का एक रिलेशन किया था, ये वाला h इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। इससे ट्राई करो आंसर आ जाएगा, पहला वाला पार्ट ट्राई करो, फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर भेजिए, h इंटू आर कॉन्स्टेंट है, एक h1 लो तो उसी का रेडियस r1 लो, दूसरी वाली ट्यूब को h2 लो r2 लो, रेडियस के बीच में रिलेशन भी गिवन है, फर्स्ट का 1/3 है दूसरे वाला और पहली हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, दूसरा h निकालना है आपको, ये वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर भेजिए जल्दी। यस आयुषी करेक्ट, यही आंसर है आपका, सभी आपका भी आ गया करेक्ट। लाइशा आप एक बार ट्राई कीजिए, एक मिनट आपको मैं और दे रही हूँ, और आयुषी सभी तब तक आप नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना इंक्लाइन कर दिया 60 डिग्री से, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये वाला एक बार ट्राई कीजिए कि हाइट उतनी ही रहेगी इंक्लिनेशन के बाद भी, जो एच है ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर है वो डिस्टेंस उतना ही रहेगा। यस लाइशा आपका भी करेक्ट है, 6 सेंटीमीटर इज द आंसर, क्योंकि एच वन इज 2 सेंटीमीटर, आर वन एच टू हमें निकालना है, और आर टू कह रहा है कि आर वन का 3 टाइम्स है, मतलब 1/3 है, 3 से डिवाइड, तो एच वन आर वन इज इक्वल टू एच टू आर टू से यहाँ पर आपकी एच टू की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए सेकेंड पार्ट कैसे होगा, यस यस आयुषी करेक्ट है आपका, यही आंसर है सेकंड पार्ट का, यही आंसर है। ये ऐसे होगा, मान लीजिए यस अभी आपका भी करेक्ट है। लाइशा सेकंड पार्ट ट्राई किया? यस मैम भेज रही हूँ। ठीक है ट्राई कीजिए। ये अगर लिक्विड है, इसमें ट्यूब को इंक्लाइन कर दिए, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें जो वाटर राइज करेगा ये वैल्यू क्या होगी, लेंथ क्या होगी, तो इसकी इसका अगर एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है, यानी कि इसके साथ वर्टिकल के साथ 60 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और हाइट तो इसकी एज इट इज रहेगी h, क्योंकि बताया था ना आपको इंक्लाइन करने पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रहता है, और l लेंथ है जो हम लोग को निकालना है, तो ये एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, h ये है, ये 30 डिग्री है, ये लेंथ है, यहाँ से अगर हम लोग साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा h डिवाइडेड बाई l, साइन 30 हाफ होता है, एच 2 सेंटीमीटर गिवन है, एल चाहिए हम लोग को, तो एल आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर।
एक बार इसको नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है, लाइशा शायद आपको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग विस्कोसिटी करते हैं। Laisha, are you done? Yes, ma'am. देखिए अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये हाइड्रोस्टैटिक्स था ना, कहीं पे वेलोसिटी यूज हुई थी ना कहीं पे एक्सेलरेशन यूज हुआ था, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड था ना वो रेस्ट में। अब जितने भी हम लोग टॉपिक्स को डील करेंगे उसमें फ्लूइड मोशन हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स था when the that branch of physics which dealt with the properties of fluids in the rest state. Now hydrodynamics is the branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion. इसे बोलते हैं hydrodynamics. इसमें पहला एक term आता है viscosity. आप लोग ने laws of motion में जब आपने forces पढ़ा होगा तो आप लोग ने ये पढ़ा होगा, friction के बारे में पढ़ा होगा, frictional force के बारे में. Friction में क्या था, कोई भी सॉलिड सरफेस अगर रखा है इसके बीच में जो इरेगुलरिटी थी और जो सरफेस थी इसके बीच में इरेगुलरिटी थी, तो जब ये इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होता था, जब भी ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है इसके मोशन को अपोज करने, ये पढ़ा था हम लोग ने फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, यही ऑपोजिशन अगर फ्लूइड्स में आ जाए उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जो भी हमारा फ्लूइड होता है ना इसकी बहुत सारी हर लेयर होती है, ऐसे ऐसे सारी लेयर्स हैं। तो जब ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड अप करती हैं, ऑपोजिटली मूव करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करती हैं, तो जो रिलेटिव मोशन अपोज होता है, रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है वो इंटरनल फ्रिक्शन फ्लूइड का अपोज करता है, तो वो इंटरनल फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं विस्कोसिटी। जैसे इसके ये मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका अपोज करता है। सो देखिए फ्लूइड जो है, जब भी फ्लूइड मूव करता है तो वैसे लेयर्स बनाता है, अ फ्लूइड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। सो व्हेन अ लेयर ऑफ दिस फ्लूइड मूव्स ओवर अनदर लेयर, ऐसे ये दोनों मान लीजिए मूव कर रही है, so when a layer of fluid moves over another layer, their relative motion, इन दोनों के बीच में जो relative motion है, that is opposed by internal friction of the fluid. तो वो जो internal friction है, या जो जो retard कर रहे हैं fluid के motion को, उस property को बोलते हैं viscosity. So viscosity या viscous force है वो force, जैसे frictional force है, opposing force, ऐसे ही fluids में viscosity है, viscous force है, opposing force. So viscosity is the property of a moving fluid to oppose the relative motion between its layers is called viscosity of the fluid. ठीक है, ये होता है कि velocity जो layer है ना वो नीचे से ऊपर तक increase होती है, velocity of liquid layers, जो भी मूव करने की जो भी वेलोसिटी है हर एक लेयर की, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसकी ज्यादा होती है, इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये मान लीजिए ये आपका सॉलिड सरफेस है, ये आपका सॉलिड सरफेस है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी, लेट्स से Fp, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज द विस्कस फोर्स, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
मैम यस डस विस्कोसिटी डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड? डेंसिटी ऑफ लिक्विड? नो, हाँ डेंसिटी पे डिपेंड करता है. यस यस, जैसे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, हम जैसे हनी को लीजिए आप एग्जांपल, और वाटर का लीजिए. ठीक है, वाटर बहुत थिन होता है ना. जब यस अगर आप वाटर को टच कीजिए, और वही चीज अगर आप हनी जैसे सब्सटेंस को, या ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन को टच कीजिए, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वो विस्कोसिटी ज्यादा ऑफर करता है. आगे हम लोग वो भी पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, उससे भी क्लियर होगा. जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होता है, वेलोसिटी उतनी. सो कैन वी से दैट विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी टू व्हाट? डेंसिटी कैन वी से दैट विस्कोसिटी इज डेंसली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी? हेलो, यस मैम, कैन यू हियर मी? हेलो आयुषी, आर यू सेइंग समथिंग? आपको माइक ऑफ है. यस मैम, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम, यस आयुषी, यस यस आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. आप क्या बोल रही थी? मैम आई वॉज आस्किंग दैट कैन वी से दैट विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी? बिकॉज जितना ज्यादा डेंसिटी होती होती है विस्कोसिटी कम होती है. नहीं, विस्कोसिटी और डेंसिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं. ठीक है, विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों बाकी फैक्टर्स से इफेक्ट होती हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह से इफेक्ट हो जाती हैं, बट इन दोनों के बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ऐसे आप बोल सकती हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो डेंसिटी कम हो जाएगी. तो डेंसिटी कम होगी तो फिर आपका फ्लूइड और कम विस्कस हो जाएगा, लेस विस्कोसिटी हो जाएगी. ये नोट कर लिया तुमने? मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम. हो रही यस मैम आ रही है आवाज. देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उससे पहले यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है आपके लिए कि बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज डेवलप्ड व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द लिक्विड, इट एक्ट्स टेंजेंशियली ऑन द लेयर्स. When a liquid or fluid flows, a backward dragging force or viscous drag is developed between its layers that retards the motion of the liquid. The viscous drag acts tangentially on the liquid. ये इससे ज्यादा अभी आपको समझ आएगा coefficient of viscosity होती है. Example के तौर पे ऐसे मान लीजिए, जो liquid की जो layer है ना, जो भी fluid है, fluid की जो भी layers बन रही है, उसको थोड़ा enlarge कर दिया मैंने. मान लीजिए ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, दोनों लिक्विड की लेयर्स हैं. अब लिक्विड की लेयर्स तो एकदम ऐसे ऐसे होती है ना, फास्ट फास्ट, इसे बस एक दूर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसको ऐसे ढंग से बढ़ा दिया है. तो इनके बीच में बहुत कम गैप होगा, क्योंकि इस तरह से होती है ना, बहुत फास्ट फास्ट होती है ना फ्लूइड की कोई भी जो जितनी लेयर्स होती है. तो मान लीजिए इनका जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, जितना डिस्टेंस है, वो dx ले लिया. ये भी एक लेयर ऑफ लिक्विड है, दिस इज अ लेयर ऑफ लिक्विड एंड दिस इज आल्सो अ लेयर ऑफ लिक्विड. ये मैंने टू लेयर्स ले लिए, टू कंसेक्यूटिव लेयर्स ले लिए, लेयर ऑफ लिक्विड. ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है. अच्छा देखिए, ये जो भी हमारी लिक्विड की लेयर है, इसका भी कोई एक एरिया होगा, उस एरिया को मैंने ए मान लिया. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ.
A is the area of layers. और ये सारी overlapping है. अब देखिए डीवी जो है ना, इसमें एक डीवी मैं इधर ऐड करती हूँ. डीवी जो है दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. हर लेयर अपनी वेलोसिटी से मूव करी है. एक इसमें क्योंकि इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगा, यानी एफ वी एक विस्कस फोर्स एक्ट करेगा. ये तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि एक विस्कस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो उसकी वजह से इन दोनों में, इन दोनों की लेयर्स की वेलोसिटी चेंज होगी. तो वो डीवी है. डीवी इज द चेंज इन वेलोसिटी. कब है ये? व्हेन पोजिशन चेंजेस बाय डीएक्स. एक बहुत छोटा टर्म हम लोगों ने लिया हुआ है डीएक्स. अब देखिए यहाँ पे, अच्छा रेट ऑफ चेंज पता है ना आपको? जैसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज वेलोसिटी. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जैसे बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो वो कब होता है? कोई भी क्वांटिटी जब हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रेट. या फिर स्पीड को हम लोग ने टाइम से किया डिवाइड, तो फिर ये होता है रेट. अगर यही इनमें से कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए डीवी डीएक्स के साथ चेंज हो रही है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग अब रेट ऑफ वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, तो अब देखिए, अब देखिए विस्कस फोर्स आप पूछ रही थी ना आयुषी, विस्कस फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है. अब देखिए विस्कस फोर्स जो है हमारा, विस्कस फोर्स डिपेंड करता है एरिया पे. एरिया किस पे? एरिया ऑफ द लेयर्स पे. और विस्कस फोर्स डिपेंड करता है इस वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, यानी डीवी ओवर डीएक्स पे. ठीक है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है, जो लेयर्स हैं हमारे पास, उनका जो एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो देखिए किस किस के प्रोपोर्शनल हो गया विस्कस फोर्स, एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के. मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं? इक्वल टू साइन लगाते हैं और कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, ऐसे ही हटता है ना. yes. देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आएगा ना, उसे मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डीवी ओवर डीएक्स. ये जो है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब देखिए जो आपका क्वेश्चन था ना युशी, वो यहां से आएगा. ये जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डिपेंड करता है मटेरियल का क्या नेचर है, और ये ही टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. सो दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. ठीक है, yes, इसको आप लोग पहले इतना पोर्शन नोट कर.
मैम डन। ये सब अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिटेल में। उससे पहले आप लोग एक न्यूमेरिकल करिए, इसको ट्राई कीजिए इजी से न्यूमेरिकल। ये दो लेयर्स हैं फ्लूइड की, दोनों का एरिया जो है लेयर का एरिया है 2 मीटर से। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जितना डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर का, ठीक। दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड और ये वाली रेस्ट पे, दिस इज नॉट मूविंग। आपको निकालना है विस्कस फोर्स के। अच्छा, ये डेका फॉर्स से कंफ्यूज मत हो ना, अभी मैं आपको यूनिट्स वगैरह इसकी बता दूंगी। ये इसकी एसआई यूनिट ही है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसकी वैल्यू आप 10 रख लीजिए एंड यू हैव टू कैलकुलेट द विस्कस फोर्स।
इधर ये 5 मिलीमीटर है, इसे कन्वर्ट करना है सही में. ओके आयुषी, आई हैव सीन योर आंसर. सभी हर लाइफ है, आप भी ट्राई कीजिए. आयुषी एक बार बस 10 की पावर्स एक बार चेक कर दो. देखिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एरिया डीवी बाय डीएक्स. अब मुझे एक टर्म बताओ, ईटा की वैल्यू क्या गिवन है? कुछ ऑलरेडी गिवन है तो 10 डेकापॉइंट, और ये एसआई यूनिट है इसकी, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना. एरिया क्या है लाइशा, आप बताइए एरिया क्या है? ए की वैल्यू क्या लिखनी है? हाँ लाइशा, यस लाइशा आवाज आ रही है? आप हैं क्लास में? यस मैम, यस मैम. हाँ एरिया बताइए मुझे. नॉन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नहीं नहीं देखिए एरिया जो है ना, एरिया हम लेते हैं जो लिक्विड की लेयर्स है ना, जैसे ये दोनों लेयर्स हैं लिक्विड की, जो भी हमारा फ्लूइड था उसके बीच उसकी ये दो लेयर्स आपके पास के हैं. तो जो इस फॉर्मूले में हम जो एरिया लेते हैं वो इन लेयर्स का एरिया होता है.
और एक एक लेयर का एरिया गिवन है आपके पास 2 मीटर्स पे, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका 2 मीटर्स पे. अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन आप लोग ने पढ़ रखा है, चेंज इन वेलोसिटी देखिए जो भी डी डेल्टा वी होगा आपका, ये तो रेस्ट में है, तो वी वन अगर आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, वी टू रेस्ट में, तो जीरो हो जाएगी. सो दिस वुड बी 10 माइनस 0, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. लाइशा देखिए जो आप 10 बता रही थी ना, वो वेलोसिटी है, एरिया नहीं, ठीक है. 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है हर एक लेयर का, तो जितनी लेयर्स है फ्लूइड की उनके वेलोसिटी जो होती है वो यहाँ पे मेंशन, ये होता है उनपे जो चेंज होता है, तो इनके बीच का जो चेंज हो रहा है इन दोनों में जो वेलोसिटी का चेंज है वो 10 आ रहा है, क्योंकि एक तो रेस्ट पर ही है. बाकी dx बचा आपका, dx ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन 5 मिलीमीटर, जो भी डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है 5 मिलीमीटर. सभी यहाँ बताइए 5 मिलीमीटर को SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. यस सभी हाँ बोलिए. जी सभी हाँ, आर यू देयर इन द क्लास? यस मैम. हाँ बताइए 5 मिलीमीटर को SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. देखिए 1 मिलीमीटर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 10^-3 meters, और जो डिस्टेंस है हमारा उसकी जो SI यूनिट है वो होता है मीटर. तो इफ 1 मिलीमीटर इज 10^-3 meters, सो 5 मिलीमीटर वुड बी 5 × 10^-3 meters. इज इट क्लियर सभी, समझ आया अब? यस मैम. ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यूज बस इधर रखनी है, FV की वैल्यू निकालनी. सो दिस इज 10, एरिया इज 2, डेल्टा V इज अगेन 10, एंड देन इट्स dx व्हिच इज 5 × 10^-3. ये 5 इधर 2 दे देगा, 5 × 2 = 10, बचा 40 डिवाइडेड बाय 10^-3. सो दिस इज 4 × 10^4 newton. ठीक है आयुषी, आपको एक एक्स्ट्रा 10 आ रहा था, 10^5 आ रहा था, बस शायद कैलकुलेशन एरर होगी, एक बार देखिए. मैम ये नोट कर, ईटा को पॉइस में कन्वर्ट नहीं करेंगे? 10 डेका पॉइस टू पॉइस. नहीं नहीं नहीं, डेका उससे मत लीजिए कि 10 है, वही तो मैं आपको बता रही थी, ये इसकी SI यूनिट है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. okay. ठीक है, डेका पॉइज ही इसकी SI यूनिट है, जो 1 newton second per meter square होती है, विल डिस्कस दिस. ये जो है ना, अच्छा आपने डेका आपको 10 ले लिया, नहीं नहीं यही मैं आपको बोल रही थी कि ये इसकी SI यूनिट ही है, अपनी SI यूनिट में ये. जो SI यूनिट में नहीं था वो था बस ये 5 मिलीमीटर, बाकी सब अपने SI यूनिट में था. इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए.
डन. Yes. Now let's see this. जो अभी हम लोग coefficient of viscosity में जो constant term पढ़े थे, that was eta. So coefficient of viscosity of the liquid is defined as the tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers each of unit area. इसका मतलब देखो क्या है? तो मतलब ये है कि F होता है F is equal to eta A dV over dA. ठीक, अगर एरिया वन है, 1 meter square एरिया है, और dV over dx ये भी वन है आपका, वन. ठीक है, एरिया भी वन और dV over dx भी वन. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा वो फोर्स के बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन में. सो ईटा आपका एफ के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये वन यूनिट है बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ ईच यूनिट एरिया. अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या है, SI unit of coefficient of viscosity. F होता है eta A dV over dx. अब एक एक टर्म की यूनिट बताइए मुझे. फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन. एरिया, लाइशा आप बताइए एरिया की SI यूनिट क्या होती है. मैम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नहीं, एरिया की बस मीटर स्क्वायर होती है. देखिए राइशा, अभी ये वाले ऊपर क्वेश्चन में भी आप ये मिस्टेक कर रहे थे. देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना वो एक्सेलरेशन की होती है. ये डिफरेंट ए है, और एरिया जो हम लोग लेते हैं वो सिर्फ मीटर स्क्वायर होती है, एसआई यूनिट. ठीक है, यहाँ पर भी जैसे 2 meter square था, 2 meter square मतलब ये इसका एरिया है. इसे रेक्टेंगल होता है आपके पास, रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना होता है तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर. उसी तरह से एरिया का भी जो आपकी एसआई यूनिट होती है ना वो मीटर स्क्वायर होती है, इसको याद रखिएगा. ठीक, अब देखिए वेलोसिटी की बताइए लाइशा, एक बार ट्राई कीजिए वेलोसिटी की क्या होती है. वेलोसिटी की एसआई यूनिट याद कीजिए एक बार. सभी, हाँ आप बताइए वेलोसिटी की एसआई यूनिट. नहीं याद आ रही. आयुषी आप बताइए. मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. देखिए वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड. सो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस की होती है मीटर. डिस्टेंस की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और फोर्स की न्यूटन होती है. तो अगर मैं यहाँ से ईटा की वैल्यू लिखूँ तो हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू डी वी. सिंपली टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब सबकी यूनिट रखती हूँ मैं, फोर्स की हो गई न्यूटन, डी एक्स की हो गई मीटर, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकेंड. सेकेंड ऊपर चला गया, ये मीटर मीटर को कैंसिल किया, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बची, न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर. तो ये जो एसआई यूनिट है ना, न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड डेकापोइज.
इसको डेका पॉइजी बोलते हैं या फिर पॉइजलीज भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। बट डेका वर्ड से कभी टेन में मत कन्वर्ट करना, ये इसकी एसआई यूनिट ही है, यानी कि वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वन डेका पॉइज। अगर आप लोग पॉइज लिखेंगे तो वो उसकी हो जाती है सीजीएस यूनिट, जैसे कि न्यूटन, ये तो हो गई एसआई यूनिट। अगर आपको मैं बोलूं मुझे सीजीएस यूनिट चाहिए, न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है? लाइशा आप बताइए, न्यूटन की सीजीएस यूनिट ट्राई कीजिए, रिकॉल कीजिए, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। मैम किसकी यूनिट? न्यूटन, न्यूटन होता है ना, फोर्स की एसआई यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, उसी का आप सीजीएस यूनिट मुझे बता दीजिए, आपको याद है? अदरवाइज आई विल टेल यू। मैम डाइन, डाइन एग्जैक्टली, तो ये होती है डाइन। सेकेंड्स तो वैसे ही रहेगा, डाइन सेकेंड। मीटर का सीजीएस हो जाता है सेंटीमीटर, तो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वन डाइन सेकेंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन पॉइज। तो आयुषी अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपने पॉइज कन्वर्ट करना चाह रही थी ना आप, वो सीजीएस यूनिट था, ठीक है? ओके। और अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वही जो आपने बाकी आपने नॉर्मली किया था, डेका पॉइज इक्वल्स टू टेन पॉइज, वो चीज ठीक थी, क्योंकि डेका वर्ड से आपने जो की तो वो चीज ठीक थी। बस इतना याद रखना, डेका पॉइज जो था ये एसआई था, और ये जो है ये सीजीएस है, ठीक? यस मैम। बाकी आता है आपका जो आपको बताया था मैंने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन अगर यही कोएफिशिएंट है गैसेस के लिए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर। ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे बाद, तो यहाँ से आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये कर लिया नोट? यस मैम। एक न्यूमेरिकल कर लीजिए अब।
लाइशा सभी आप भी ट्राई कीजिए एक बार ये क्वेश्चन. आयुषी आपका आंसर सही है. दैट इज द करेक्ट आंसर. यस लाइशा दैट्स करेक्ट. यही आंसर है इसका. देखिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक बार. देखिए मेटल प्लेट है जैसे मान लीजिए ये सरफेस है आपकी ठीक है. इस पे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इसके यहाँ पर कोई फ्लूइड है लिक्विड है ना बिटवीन. यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि लिक्विड है जो फिल्म लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ 0.3 मिलीमीटर इज प्लेस बिटवीन प्लेट और ये टेबल. तो ये प्लेट है और टेबल के बीच में यहाँ पर कोई लिक्विड फिल किया हुआ है. अब देखिए ये कह रहा है कि एक पुली पास होता है इसका कोई मास m है वो भी गिवन है आपके पास. यहाँ पर इसकी वजह से लिक्विड की वजह से विस्कस फोर्स एक्ट करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. मुझे बताइए लाइशा आप बताइए इसके अलावा कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ एमजी यहाँ पर एक्ट कर रही है. और आपका आंसर एकदम ठीक है लाइशा आप बताइए और कौन सी फोर्सेस होंगी. मैम वेट. वेट ही को बोलते हैं एम जी जो ग्रेविटी ये जो आता है ना एम जी. आपने कैसे किया मुझे अच्छा अब आप मेथड बताइए अपना जो आपका आंसर है आपने कैसे किया है. जी लाइशा आपका आंसर yes, ठीक है करेक्ट है. वो आंसर करेक्ट है जो आपका है ना 3.5 × 10⁻³. वो करेक्ट है बस आपने कैसे किया आप मेथड बता दीजिए. मैम शियर फोर्स वाला मैम एफ इक्वल्स टू एम जी तो मैंने एम इंटू जी करा मेरा आंसर है 0.1 न्यूटन. फिर शियर स्ट्रेस ऑन फ्लूइड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ए तो उसमें फोर्स अपॉन एरिया तो उसमें 0.1 / 0.1 करा मैंने. फिर एक्सक्यूज मैम शियर स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है. मैम फ्लूइड फ्लूइड पे स्ट्रेस लग रहा है. स्ट्रेस हम लोग ने पढ़ा था ना सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम लोग ने कवर किया था ना. शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा. इससे कंफ्यूज हो रही हो ये जो सिंबल है शियर स्ट्रेस के लिए यूज किया था यही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसी को निकालना है ठीक है. यस मैम सो इसके लिए हमें 0.
1 upon 0.1 into 0.3 into 10 to the power minus 3 upon 0.085 meter per second. ठीक है, देखिए यहाँ पे टेंशन भी एक्ट करेगा, ठीक है, जो फोर्स आप मिस करी थी ना वो थी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे टेंशन भी एक्ट करेगा. अब देखो इसमें होगा क्या, ये तो फॉर्मूला आपने ठीक बताया, ईटा इज इक्वल टू ए डी वी ओवर डी एक्स, ये ठीक है. अब देखिए टेंशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से टेंशन की वैल्यू होगी एम जी, राइट, टेंशन की वैल्यू तो एम जी आएगी ना. तो देखिए T is equal to mass given है आपका 0.01 और G की वैल्यू होती है 9.8. तो ये आ गया 9.8 into 10 to the power minus 2 न्यूटन. अब सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, ये जो हमारा फ्लूइड है और जो ऑब्जेक्ट है, टेंशन है या विस्कस फोर्स है. सो टेंशन वुड बी इक्वल टू विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.8 into 10 to the power minus 2 न्यूटन. ठीक है, ईटा हम लोग को पता नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग को निकालना है. लाइशा आपने एरिया क्या यूज किया है, मैम मतलब एरिया यूज किया होगा ना इस फॉर्मूले में, ईटा इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है, हाँ, इसमें एरिया की वैल्यू क्या पुट किया आपने, मैम 0.1 meters, राइट, ठीक है, 0.1 meters पर. अब देखिए वेलोसिटी भी इसमें गिवन है ऑलरेडी 0.085 meters per second. मुझे बताइए आयुषी, आप बताइए dx आपने क्या लिया, मैम 0.3 into 10 to the power minus 3 meter. हाँ एग्जैक्टली, 3 millimeter को आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया होगा ना, 0.3 millimeter को, ये हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 4 meters. अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है FP के लिए, FP तो पता है, ईटा के लिए ये हो जाएगा FP into dx divided by FP into dx divided by area into dv. जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे 9.8 into 10 to the power minus 2 dx 3 into 10 to the power minus 4, एरिया हो जाएगा 0.1 meter square और वेलोसिटी 0.085. तो ये वही आएगा जो आप सबका ऑलमोस्ट आ रहा था, 3.46 के करीब आएगा into 10 to the power minus 3 और पास्कल सेकंड, या फिर आप डेका पॉइस बोलिए. जब ये आपका क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये रिपीट करूं बताइए, मैम हो गया, हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी, आप नोट कर लीजिए, बाकी आयुषी एंड लाइशा आप लोग मीटिंग लीव कर लीजिए, ये पढ़ के आइएगा, विस्कोसिटी एक बार रिवाइज करके आइएगा. ओके मैम, थैंक यू. ओके थैंक यू मैम.